महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात ने पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। थोरात ने आरोप लगाया है कि पार्टी में गंदी राजनीति चल रही है और वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हाल ही में बालासाहेब थोरात ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा था कि वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम करने में असमर्थ हैं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने बालासाहेब थोरात का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि उन्हें बालासाहेब थोरात के इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है। पटोले का दावा है कि थोरात ने इस्तीफा नहीं दिया है। नाना पटोले ने कहा कि आज बालासाहेब थोरात का जन्मदिन है और वे शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र और उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने 8 महीनों के भीतर ही प्रचार प्रसार और विज्ञापनों के नाम पर सरकारी खजाने से 42 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। ये जानकारी आरटीआई के जरिए सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता नितिन जाधव ने इस बारे में सरकार से ब्यौरा मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई से सोलापुर और मुंबई से शिरडी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने से अब मुंबई से शिरडी की रेल यात्रा मात्र 3 घंटों में पूरी की जा सकेगी। इस रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को शाकाहारी खाना परोसा जाएगा। 11 फरवरी से इन ट्रेनों में सामान्य यात्री बुकिंग कर सकते हैं। नासिक के प्रसिद्ध सप्तशृंगी देवी मंदिर में अब 100 रुपयों के शुल्क के साथ वीआईपी दर्शन की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया गया है। आगामी सोमवार से भक्तों के लिए इस सुविधा की शुरुआत कर दी जाएगी। मंदिर ट्रस्ट ने यह फैसला भक्तों की भीड़ और उनको होने वाली असुविधाओं को देखते हुए लिया है। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे। राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में सिद्धार्थ और कियारा की शादी होगी। पिछले कुछ दिनों से इनकी शादी की खूब चर्चाएं हो रही थी। इस शादी में परिवार और करीबी दोस्तों को ही बुलाया गया है। सोशल मीडिया पर इनकी शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन मंगलवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पहुंची। हिलेरी क्लिंटन बुधवार को विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं को देखने जाएंगी। क्लिंटन 2 दिनों से गुजरात यात्रा पर थी। बुधवार को वह घृष्णेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगी, जो देश में 12वां ज्योतिर्लिंग है, और इसके बाद वे एलोरा की गुफा जाएंगी। पिछले 7 महीनों से बंद पड़ी एयर इंडिया की मुंबई नागपुर रात्रिकालीन विमान सेवा 18 मार्च से दोबारा शुरू होने जा रही है। पिछले साल एयर इंडिया ने मुंबई से नागपुर और नागपुर से मुंबई की रात्रिकालीन विमान सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कारणों से एयर इंडिया ने यह विमान सेवा बंद कर दी थी। इसके साथ ही 15 मार्च से नागपुर से नासिक की विमान सेवा भी शुरू किए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक लुटेरी दुल्हन का कारनामा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शादी के 7 दिनों बाद ही एक विवाहित महिला ससुराल वालों को करीब 2.5 लाख रुपयों की चपत लगाकर फरार हो गई। अहमदनगर जिले के कोलगांव में अंकुश कोर्डे के परिवार के साथ यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि लुटेरी दुल्हन के इस कारनामे में उसकी मौसी भी शामिल है। फिलहाल पुलिस आरोपी दुल्हन और उसकी मौसी का पता लगा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 22 वर्षीय महिला ने अपनी 6 साल की बेटी और 4 साल के बेटे की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन हत्या करने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।